गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं पढ़ा रही हूँ 8th क्लास की SST का ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर, जिसमें हमने कल पढ़ा था वाटर। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, यानी पानी की आवश्यकता की कौन कौन सी समस्याएं हैं। मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। दुनिया के जितने भी जो क्षेत्र है, दुनिया के जितने भी क्षेत्र है, वो पानी की कमी से जूझ रहे हैं। द मेन फैक्टर फॉर दिस इज अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द ईयर। इसका मुख्य कारण यह है कि पूरे पृथ्वी पर जो बारिश के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वर्षा का वितरण है, वो पूरे साल असमान होता है। यानी असमान रूप से जब बारिश आती है, तब पानी की समस्या सामने आती है। सम एरियाज रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल वाइल सम रिसीव वेरी स्केंटी रेनफॉल। कुछ एरिया में बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है और कुछ क्षेत्र में बहुत ही कम बारिश होती है। ड्यू टू दिस सम एरियाज फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड अदर्स फेस ड्रॉट। इसी के कारण ही कुछ एरिया में पानी की कमी होती है और कुछ सूखा पड़ता है, साथ में ही कुछ एरिया में बाढ़ आने के आसार होते हैं। यानी पानी का जो वर्षा का जो रेनफॉल का जो असमान वितरण है, उसके द्वारा कहीं पर सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, वो कहीं पर बाढ़ आ सकती है। लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया फेस द शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई। इन सभी देशों में, जैसे कि एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ वेस्ट जो कॉन्टिनेंट है, मेक्सिको है, और साउथ अमेरिका का जो पूर्णतः जो भाग है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ सभी पर फ्रेश वाटर यानी शुद्ध पानी की जो आपूर्ति है, उसकी कमी है, उसका अभाव है। द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज आर। इसमें बहुत सारे तत्व इस प्रकार ऐसे है जिससे पानी का अभाव होता है, यानी वे तत्व जो जिम्मेदार है पानी की कमी के लिए। फर्स्ट हम पढ़ेंगे राइज इन पॉपुलेशन हैज़ लेड टू द इंक्रीज इन डिमांड फॉर वाटर मेनली फॉर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक पर्पज। यानी कि पानी की कमी किस पड़ गई, कैसे पड़ गई है, उसके बारे में जो फैक्टर है उसको हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर इसका है राइज इन पॉपुलेशन, यानी कि पृथ्वी पर अधिक मात्रा में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ रही है, यानी मांगे भी बढ़ रही है। जिसमें इंडस्ट्रीज है, यानी कि उद्योग धंधे है, कृषि है, और डोमेस्टिक पर्पस मतलब घरेलू उपयोग के लिए भी लोग पानी का इस्तेमाल अधिक कर रहे हैं और पानी की डिमांड बढ़ रही है। सेकेंड है आपके ग्राउंड वाटर कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग बट द एक्सेसिव पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड हैड मेड इट अनफिट फॉर कंजप्शन। इसी के साथ में सेकेंड आपको जो बिंदु है उसमें यह कि ग्राउंड वाटर, यानी ग्राउंड वाटर मतलब जो पृथ्वी के अंदर जो पानी है, कुएं में, बावड़ी में, वो सभी उस पानी को भी मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए बहुत अधिक मात्रा में उसको पोल्यूटेड कर रहे हैं, यानी प्रदूषित कर रहे हैं। प्रदूषित कर किस कारण हो रहा है, वो केमिकल फर्टिलाइजर यानी रासायनिक जो दवी खाद्य वगैरह है उसके द्वारा, कीटनाशक दवाइयाँ हैं उसके द्वारा, और विभिन्न प्रकार की जो केमिकल यूज वो पदार्थ यूज कर रहे हैं उसके द्वारा पानी पीने के लिए या मानव के सेवन के लिए अनफिट है या योग्य नहीं है। रिवर एंड लेक आर कंटामिनेटेड ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाउस होल्ड गैबेज एक्सेट्रा। थर्ड में बिंदु में आपको यह है कि नदियाँ और जो झीलें हैं जिसके द्वारा शुद्ध पानी प्राप्त होता है, उसमें भी लोगों के द्वारा या ह्यूमन बींग के द्वारा उसको भी गंदा किया जा रहा है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की गंदी नालियाँ छोड़ी जाती है, फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियल जो उद्योग धंधों का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उसमें गंदा पानी छोड़ा जाता है, साथ में हाउस होल्ड गैबेज यानी कि जो घर के अंदर जो कूड़ा करकट है वो भी इन नदियों के में और लेक्स में हम बाहर है, जिससे कि पानी पोल्यूट हो रहा है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड प्रिसिपेशन इन डिफरेंट सीजन एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। साथ में ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जैसे हमने पहला पढ़ा था कि इसका मुख्य कारण यही है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल यानी बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वह असमान है, और असमान वितरण के कारण विभिन्न प्लेसों पर, विभिन्न जगह पर सीजन अलग अलग होता है, और वर्ल्ड में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और डिफरेंट पार्ट पे अलग अलग प्रकार की बारिश हो रही है। वेस्टेज एंड केयरलेस यूज ऑफ वाटर बाय ह्यूमन बीइंग हैज़ लेड टू शॉर्टेज ऑफ वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। साथ में ही मानव के द्वारा जो पानी की मात्रा है, पानी को वेस्ट किया जा रहा है, व्यर्थ फालतू बिगाड़ रहे हैं, साथ में उसका उपयोग भी सही ढंग से नहीं कर रहे, कि असुरक्षित उपयोग कर रहे, जिसके द्वारा भी पानी की कमी पूरी दुनिया में हो गई है,
और पानी की कमी हमेशा बनी हुई रहती है। ये तो हमने जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर पढ़े, जो वाटर शॉर्टेज के, यानी वाटर शॉर्टेज क्यों होता है, पानी का अभाव क्यों हो गया, उसके हम भी कारण हमने पढ़े हैं। वह हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी पानी के संसाधनों का, पानी के जो घटक है उनका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, यानी बचाव किस प्रकार से किया जाए। दे आर वेरियस वेज इन विच वाटर कंजर्वेशन कैन बी डन। वाटर कंजर्वेशन के, यानी कि जल संरक्षण के विभिन्न प्रकार के रास्ते हैं, जिसमें हम कुछ पढ़ेंगे। फर्स्ट, इसमें रिसाइकलिंग यूज्ड वाटर, यानी कि जो यूज़ किया हुआ पानी होता है उसको वापस यूज़ करना, रीयूज़ करना। यूज वाटर कैन बी रिसाइकल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो कि यूज़ किया गया पानी होता है, उपयोग में जो पानी लिया गया उसको दोबारा टेक्नोलॉजिकल विकास के द्वारा, टेक्नोलॉजिकल एंड तकनीकी मशीनरी के द्वारा उसको वापस हम रिसाइकल कर सकते हैं, वापस उपयोग में ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग जब नदियों, जो पानी बड़े बड़े शहरों में जो पानी गटर पाइप में चला जाता है, वेस्टेज पानी होता है, वो उस पानी को वापस वह टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के द्वारा, टेक्नोलॉजिकल मेथड के द्वारा उसको वो क्लीन करते हैं और वापस उसी की सप्लाई पूरी सिटी के अंदर करते हैं। द पोल्यूटेड वाटर शुड बी ट्रीटेड बिफोर ड्रेनिंग इन टू रिवर। साथ में ही जो पोल्यूटेड वाटर है, यानी कि जो प्रदूषित वाटर है, उसको भी नदियों में जाने से पहले उसको ट्रीट करना चाहिए, उसमें दवाई डालकर शुद्ध कर देना चाहिए नदियों में। सेकेंड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा के पानी का संचरण, यानी वर्षा का जो पानी होता है उसको इकट्ठा करना, एकत्रित करना। द मोस्ट इफिशियंट एंड नाउ कॉमनली यूज मेथड टू कंजर्व वाटर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे मुख्य जो और आज के युग में जो मेथड अपनाई जा रही है वाटर कंजर्व की, यानी पानी को संरक्षण करने की, वह है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नॉर्मली रेन वाटर गेट्स वास्टेड एज इट मूव्स डाउन द ड्रेन। इन दिस मेथड रेन वाटर इज स्टोर्ड इन द ह्यूज अंडरग्राउंड टैंक एंड देन द स्टोर्ड वाटर इज यूज्ड एज एंड व्हेन नीडेड। सामान्यतः इसमें यह होता है कि जो बारिश का पानी होता है उसको नीचे आने, छत से नीचे आने पर नालियों के द्वारा या पाइप के द्वारा उसको एक बड़े से टांके के अंदर या अंडरग्राउंड जो टैंक होता है उसमें उसको इकट्ठा कर लेते हैं और स्टोर करने के बाद में उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि हमारे थार डेजर्ट में अधिक होता है, पश्चिमी जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की पूरे साल कमी होती है, इसलिए बारिश के पानी को वो वहाँ के लोग इकट्ठा करके टैंक में, अंडरग्राउंड टैंक में इकट्ठा करके और धीरे धीरे उसको यूज़ करते रहते हैं, जिससे कि वो पानी पूरे साल भर चलता है और आने वाली बारिश तक वो बचा रहता है। थर्ड है आपके एफॉरेस्टेशन, इसका मतलब होता है वनीकरण। वनीकरण मतलब पेड़ पौधे लगाना। द ट्रीज इन द फॉरेस्ट हेल्प टू इम्प्रूव वाटर इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग वाटर रन ऑफ एंड रिस्क ऑफ फ्लड। जो पेड़ होते हैं वह फॉरेस्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प देते हैं, और साथ में फॉरेस्ट होते हैं जो वाटर इकोनॉमी को करते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे होंगे और जंगल होंगे तो उसके द्वारा ही बारिश होती है, और बारिश जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी को बहने से भी रोकते हैं और फ्लड को भी रोकते हैं। फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन बाइंड द सोइल एंड हेल्प द सोइल इन रिटेनिंग वाटर। जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं और वनस्पति होती है, वो मिट्टी को बांधे रखती है, साथ में मिट्टी को बहने से रोकती है और मिट्टी को अपने स्थान पर बनाने रखने में सहायक होती है। फोर्थ है आपकी प्रॉपर इरीग्रेशन, यानी उचित सिंचाई। With the help of proper planning and schedule, one should now know how much water is required to grow crops. इसमें इस विधि के द्वारा वह लोग कितना पानी किस फसल को चाहिए उसके अनुसार उस पानी की वो मात्रा को बढ़ा देते हैं। The need should be kept under control. Sprinkle should be used to save water. Proper canals should be made and lined up in the order to minimize the losses by water seepage. साथ में उस पानी को फुहारों पद्धति के द्वारा या नहर पद्धति के द्वारा उसको सेव करते हैं और धीरे धीरे फुहारा पद्धति के द्वारा उस क्रॉप में कितने पानी चाहिए उसके हिसाब से वह किनाल की तरफ पहुंचाया जाता है, और सेकेंड फुहारों के द्वारा, उस स्प्रिंकल के द्वारा उस फसल को पानी दिया जाता है, जिससे कि पानी का लॉस कम हो, पानी का खर्च खपत कम हो और वाटर सीपेज यानी पानी का जो नीचे जमीन में जो पानी चला जाता है बहकर अंडरग्राउंड उस पानी का भी रोक सके। फिफ्थ है आपकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, यानी कि घरेलू जो कार्यों में हम जो पानी को यूटिलाइजेशन करते हैं उसको सही ढंग से करना या उचित रूप से करना। द यूज़ ऑफ वाटर एट होम शुड बी डन इकोनॉमिकली बाय चेकिंग लीकेज इन पाइप्स।
यानी कि जो पानी हम घर में यूज़ करते हैं, जो आर्थिक रूप जो आर्थिक क्रियाओं में हम पानी यूज़ करते हैं, उसको हमें उस लीकेज को वो चेक करना चाहिए, यानी पाइप कहीं टूटा फूटा ना हो जिससे कि पानी का लीकेज ना हो, पानी व्यर्थ ना बहे। रीयूजिंग द वाटर एट होम, साथ में पानी को रीयूज़ करना, जैसे हम घर पे कुछ पानी कपड़े धोने के लिए यूज़ कर लेते हैं उसके बाद उस पानी को फेंकना चाहिए, उस पानी से हमें घर की सफाई कर देनी चाहिए, साथ में पेड़ पौधों में वो पानी छोड़ देना चाहिए। यूटिलाइजिंग RO वेस्ट वाटर फॉर वाटरिंग द प्लांट यूजिंग ए बकेट ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग कार इंस्टेड ए हाउस, यानी जो पानी RO वाटर द्वारा होता है साफ, जो शुद्ध पानी करते हैं हम RO वाटर द्वारा, उस पानी को यूज करने वाले पानी को आपको साफ करना चाहिए, जैसे कपड़े धोने वाला पानी है, और उस पानी को मैंने बताया आपको पहले कि पानी बाल्टी में इकट्ठा करके उसको RO द्वारा शुद्ध करके उसको वाटरिंग प्लांट, यानी कि हम घर के जो गार्डन होता है उसमें पानी को दे सकते हैं। ऑल द वेरियस वेज एंड मीन्स शुड बी थॉट ऑफ टू यूटिलाइज वाटर रिसोर्सेज एट होम विथ इकोनॉमी, इसी के साथ में हम विभिन्न प्रकार के रास्ते पानी को बचाने के, विभिन्न प्रकार के या पानी के उपयोग के विभिन्न प्रकार के रास्ते अपना सकते हैं जिससे कि वो रिसोर्स, पानी रिसोर्स बचा रहे और साथ में हमारे घर की इकोनॉमी आर्थिक व्यवस्था भी बढ़े। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।